फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बता रही हूँ कि जो पुराना कपड़ा होता है, बचा हुआ कपड़ा होता है, उससे जो मोजे या स्लीपर्स होते हैं वो कैसे बनाते हैं, वो मैं आपको कटिंग और स्टिचिंग दोनों बता रही हूँ। जैसे हमारी कोई भी साइज की, आप जो आपकी साइज की चप्पल है वो चप्पल लेना। जैसे मेरे मुझे इसके साइज का बनाना है, तो ये मैंने ये कपड़ा लिया है। ये इसका सीधा साइड है और ये इसकी उल्टी साइड है। ऐसे मैंने इसको डबल कर रखा है। और फिर ऐसे ये चप्पल रखेंगे और फिर इस पे ऐसे निशान लगा लेंगे। ये ऐसे फ्रेंड्स, इस पे पूरी पे हम निशान लगा लेंगे। जिस भी साइज का आपको बनाना है स्लीपर्स, उसी स्लीपर को ऐसे रख के आप ऐसे निशान लगा लेना। अब इसकी हम कटिंग करते हैं। इसका कटिंग, ये जो हमने निशान लगाया है, इसे थोड़ा सा इसके इस साइड में लेके एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए फिर इसका कटिंग कर लेना। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी कटिंग हो गई है। ये देखिए, ये दोनों पैर की हो गई है। ऐसे ही फ्रेंड्स, दो कपड़े और जो हमारे कोई बचे हुए हैं कॉटन के, या फिर उसका भी आप कटिंग कर लेना। जैसे मैंने, ये देखिए, ये मेरे पास एक पुरानी जीन्स थी, मैंने उसकी कटिंग की है, और एक ये पुराना कपड़ा था उसका किया है। तो ऐसे ही आप दो इसके पीस और दो इसके पीस और, तो ये तीन तीन पीस हो जाएंगे दोनों पैर के। ये आप कटिंग कर लेना। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारी कटिंग हो गई है, मैंने ये दो कपड़े और काट लिए हैं। अब इसको जो हमारी जो चप्पल थी, इसका ऐसे रख के और जो ये फीता है, इसका यहाँ पे ऐसे निशान लगा लेंगे। अब ये हमने निशान लगा लिया है यहाँ पे। अब इसको यहाँ से मोड़ेंगे ऐसे। अब जो यहाँ लगेगा वो पीस हमें कट करना है। अब ये इस कपड़े को भी हम ऐसे करेंगे, सीधी साइड अंदर किया, बाहर उल्टी साइड है। इसको हम ऐसे रखेंगे, ऐसे मोड़ के तब रखना फ्रेंड्स इसको। इसकी इधर हम 1.25 इंच लेंगे एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा लेंगे इधर, यहाँ पर भी 1.25 इंच। और इधर भी 1.25 इंच, इस साइड में भी। और यहाँ पर भी 1.25 इंच, लेकिन यहाँ पर आगे हम 0.5 इंच ही लेंगे। ये ऐसे आप इधर ऊपर 0.5 इंच पे और इधर दोनों साइड में 1.25 इंच एक्स्ट्रा लेना है फ्रेंड्स। और इसको ऐसे, इन निशान को ऐसे हम मिला लेंगे और ये कटिंग भी हम कर लेंगे। इसमें अगर फ्रेंड्स आप ऊनी कपड़ा भी, सर्दियों के लिए अगर बना रहे हो, तो आप ऊनी कपड़ा भी ले सकते हो। जैसे कोई टी शर्ट होती है वो भी यहाँ पर ले सकते हो। ये फ्रेंड्स, जो मैंने ये पार्ट काटा था, इसी साइज के मैंने ये, देखो इसके भी ये दो पार्ट मैंने और काट लिए हैं। ये तीन पार्ट हो गए हैं। एक ये पुराने कपड़े का है, एक ये मेरे नया कपड़ा, और ये जींस का है। तो ये भी मैंने तीन पार्ट कर लिए हैं, तीन ये और तीन ये हो गए हैं। और अगर आप इसमें फोम आपके पास है तो आप फोम डाल सकते हो। मैं इसके अंदर फोम डाल रही हूँ, तो इसी जो आपका जो हमने ये काटा है, इसी साइज का आप फोम भी काट लेना, जो फिर हम
आपके पास अगर फोम है तो ये नीचे जींस का कपड़ा लगा के, फिर हम ऐसे फोम लगा के, फिर ये ऊपर दो कपड़े लगा देंगे, तो ये जब हम पहनेंगे तो ये हमारे लिए इजी रहेगा। अब फ्रेंड्स मैं इसकी आपको सिलाई बताती हूँ। ये देखिए, ये जो हमने काटा था वो हमारा ये ऐसे आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आगे हम छोटा छोटा प्लेट्स डाल के ये ऐसे हमारा सिल जाएगा। तो मैं अब आपको इसकी सिलाई बताती हूँ कैसे करते हैं। ये देखिए, जो आप पहले मान लो ऊपर जो फैब्रिक लेना चाहते हो, मेन फैब्रिक, मैं ये ऊपर मेरा मेन फैब्रिक ये रखूँगी, फिर ये नीचे मेरा एक कॉटन का पुराना कपड़ा है, ये फोम है, और ये नीचे जो है ये जींस का कपड़ा है, ये मैं नीचे की साइड रखूँगी। अब इसका हम इस पर यहाँ पर एक पैर की मार्जिन रखते हुए इस पर पूरे पे हम सिलाई करेंगे। इन तीनों को एक साथ हम जोड़ेंगे। अब फ्रेंड्स ये जो हम सिलाई करने के बाद जो हमारा एक कपड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा आया है, इसको कट कर देंगे फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, जो एक्स्ट्रा था उसको एकदम फिनिशिंग के साथ कट कर दिया है। अब ऐसे ही हम इसका दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेंगे, जो हमारा ये है, ये इसको भी ऐसे ही सिलाई कर लेंगे। अब फ्रेंड्स जो हमने यहाँ पे निशान लगाया था, अब इस पे ऐसे एक एक थोड़ा गैप दे के सिलाई करेंगे। देखना, मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये सिलाई हमारी ये सिलाई हो गई है। थोड़ा गैप दे दे के मैंने ये सिलाई कर ली है। ऐसे ही हम उस दूसरे पार्ट पे कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो ये है इसका मेन फैब्रिक ये ऊपर, और वैसे ही इसमें मैंने ये फोम नहीं डाला है, इसी में डाला था। अब इस पर भी हम ऐसे ही ऐसे सीधी जो इसमें किया है ऐसे ही सिलाई कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये सिलाई कर लिया है। अब इस पर हम पाइपिंग लगाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इसकी चौड़ाई 1.5 इंच लिया है ये पाइपिंग के लिए। ये सीधा ही कपड़ा है। आप अगर पाइपिंग दूसरे कलर की भी लगा सकते हो, मैंने ये सेम कलर का लिया है। अब इसके ऐसे इसको ऐसे नीचे की साइड इस कपड़े को रख के, और अब देखिए फ्रेंड्स, ये सिलाई एक हो गई है। अब इसको पाइपिंग के कपड़े को हम ऐसे ऊपर की साइड करके और ऐसे एक फोल्ड करेंगे। पहले आप देख पा रहे होंगे, ऐसे एक फोल्ड करेंगे और फिर इसको ऐसे हम सिलाई कर देंगे ऊपर की साइड ही। अब फ्रेंड्स, ऐसे ही हम वो दूसरा पीस भी तैयार कर लेंगे। फिर हम इस पर लगा के देखेंगे। अब देखो, जैसे हम इस पर लगा रहे हैं तो थोड़ा बड़ा है। अब इसके लिए हम थोड़ा सा अब इसकी पहले सिलाई करके ये चुन्नटी डालेंगे इसके अंदर, फिर ये हम जब हम सिलेंगे तो फिर फिनिशिंग के साथ सही आएगा। अब चुन्नट इसमें कैसे डालेंगे, यहाँ पे ऐसे इसको लगा के थोड़ी दूर हम सीधा लेंगे। फिर जब हम इसकी इसके ऊपर सिलाई करेंगे तो फिर ये सही आ जाएगा। ये देखना फ्रेंड्स, ऐसे हल्की हल्की एकदम छोटी छोटी प्लेट्स डल जाएंगे। ऐसे ही इसमें हल्की हल्की छोटी छोटी डालेंगे फ्रेंड्स चुन्नटे। और ये जो हमारे फ्रंट साइड है इसमें जरूर डालना है। यहां से हम सीधा ले लेंगे फ्रेंड्स उसकी तरह, इस साइड वाले की तरह। अब देखना, अब फ्रेंड्स ये हमारा रेडी होने के बाद, जैसे चुनटी डालने के बाद, सिलाई होने के बाद, अब हम जो हमारे जो निशान लगाए थे हमने इसमें ऐसे रख के इसके ऊपर और एक पैर की मार्जिन देते हुए हम इस पर सिलाई करेंगे। ये ऐसे फ्रेंड्स, ये देखो इसकी पूरे की सिलाई कर लेंगे। जो इधर हमारा जो हमने फिर निशान लगाया था उस निशान तक ये ऐसे आ जाएगा।
है फ्रेंड्स। अब इस पे पाइपिंग लगाएंगे इधर इन पे साइड पे। अब फ्रेंड्स इस पे पाइपिंग लगाने के लिए अब हमें, इसमें तो हमने सीधी पट्टी लगा दी थी जो ऊपर ये हमने लिया था, इसमें सीधी पट्टी थी हमारी पाइपिंग के लिए, लेकिन इसमें हम पाइपिंग लगाएंगे तो ये उरे पट्टी होगी हमारी, तिरछी पट्टी होगी। ये तिरछी पट्टी जो मैंने मैंने सेम कलर की लिया है। अब ये देखो ये कैसे लगाना है, अगर आपके पास छोटी हो तो ऐसे ज्वाइंट कर लेना। और इसकी भी ये चौड़ाई मेरी 1.5 इंच है। अब जहाँ से आपको स्टार्ट करना, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। इसको ऐसे ये नीचे की साइड लगाना है फ्रेंड्स, देखना ऐसे रखा। और इस पे भी हम एक पैर की ये सिलाई का मार्जिन लेते हुए इस पे सिलाई करेंगे। ये फ्रेंड्स ऐसे घुमा के फिर लगा लेना पट्टी को। अब फ्रेंड्स जो हमारी ये स्टार्ट किया था हमने इस पट्टी को, ये देखिए इसको ऐसे मोड़ेंगे, ऐसे मोड़ के। ये देखो अब जो एक्स्ट्रा है इसको हम कट कर देंगे। अब इसको इधर सीधी साइड करेंगे, इधर मोड़ लेंगे इस पट्टी को। अब फ्रेंड्स इसको इधर पलटने के बाद अब हम इसको भी ऐसे फोल्ड करके, एक फोल्ड किया और ऐसे इस पाइपिंग की भी हम सिलाई करेंगे। अब कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो इसको, ये पाइपिंग की सिलाई करने के लिए। देखिए फ्रेंड्स अब ये जो हमारा जॉइंट है यहाँ पे भी इसको ऐसे ही मोड़ के इसको पूरा कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा कितना सुंदर ये पीस बन गया है। और ऐसे ही जैसे ये बनाया है सेम वो जो दूसरा पीस है वो भी हम ऐसे ही बनाएंगे। ये देखिए, अब देखिए फ्रेंड्स हमारे दोनों पीस बन के तैयार हो गए हैं। ऐसे ही आप बना लेना ये बचे हुए कपड़े से, कितना सुंदर ये स्लीपर बन गया है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स।